अरे भाई गाड़ी से एकदम दूर है हम लोग। वेट वेट एक मिनट। यस पूजा जी कैसे हो? गाड़ी से दूर। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको सपोर्ट कर रही हूँ? मैं तो मनारा को सपोर्ट कर रही हूँ। अरुण भाई भी मेरे फेवरेट है मगर मैं आई मनारा को सपोर्ट। मैम मुनव्वर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जो इमेज उनकी क्रिएट हुई है बिग बॉस में आके। इमेज जो क्रिएट हुई है, आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया सही, क्रिएट हुई है। हाँ नहीं जो बनी है। देखिए दुनिया का काम है बात करना। हाँ। हमारा काम है कि जो हम होते हैं उसे नहीं भूलना। ये मंच ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 8 हफ्ते के लिए रह कर आई हूँ और मुझे एक चीज़ पता है कि ये मंच हमें छोटा नहीं करता है, हम अपने हरकतों से छोटे या बड़े होते हैं। तो आई थिंक मुनव्वर को भी थोड़ा एक लाइसेंस दीजिए। उसकी प्राइवेट लाइफ को काफ़ी तमाशा बना के रखा है लोगों ने। लेट द बॉय बी। और अभिषेक थोड़ा राहत। अभिषेक के बारे में क्या बोलना? अभिषेक का जो फिनोमिनल एक कमबैक रहा है और उसके लिए मैं उसे सल्यूट करती हूँ। मगर बहुत ही डिग्निफाइड गेम अगर किसी ने खेला है तो वो है अरुण ने। आई थिंक अरुण के साथ जो पर्सनल क्राइसिस हुई है उसके बावजूद उसने अपनी ट्रेजेडी को अपने सर पे बैठ रख के उसे इस्तेमाल कभी किया नहीं, बाहर की बातें कभी नहीं की। और मैं मनारा को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि उसने भी दिल से गेम किया, खेला है। सिंगल लड़की रही है, सिंगल लड़की रह के एक कपल शो में नो पास्ट नो फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट में जीती आई है। उसने अपने मिस्टेक्स किए हैं मगर उसका दिल बड़ा है। अंकिता जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है अंकिता जी को, तो अच्छी बात है ना। हर किसी के फैन बेसिस हैं तो सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। मगर मैं यहाँ आई थी मनारा को ये कहने के लिए कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती रखते हैं, अगर आपका दिल साफ है, अगर आपको पता है कि वो रिश्ता क्या है, तो फिर दुनिया की बात मत सुनो। क्योंकि वैसे लोग हैं जो आपको समझेंगे और वैसे लोग हैं जो आप कुछ भी कर ले नहीं समझेंगे। तो जिनको नहीं समझना है उनको नमस्कार कह के कहो कि दिस इज़ व्हाट आई एम। रिश्ते निभाओ। मैंने बीबिका के साथ रिश्ता निभाया था। सबने मुझे कहा कि इसके साथ दोस्ती मत रखो। आपके हिसाब से विनर कौन है? मेरे हिसाब से जब ये 5 लोग फिनाले तक पहुंच जाते हैं ना, तो उन सबको थोड़ा ग्रेशियसली कहना चाहिए कि वेल डन। इसके बाद में ट्रॉफी कौन लेता है वो 28 को हम सबको पता चल जाएगा। वोटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड लेट्स सी, बट आई थिंक इन माय आईज दे आर ऑल विनर्स। थैंक यू। अरे अरे भाई इससे अच्छा।